ये चार पल यह एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाना चाहिए और एक व्यक्तिगत स्तर पे जिम्मेदारी फिक्सेशन का काम शुरू कराना चाहिए। और जब आप व्यक्तिगत स्तर पे किसी अधिकारी की दायित्व को निश्चित कराना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपके गुणात्मक सुधार भी होगा और आपके पनिशमेंट के डर से लोग अपने दायित्व का पालन करेंगे। जैसे बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम के ऊपर तमाम सारे साथियों के विचार है तो ना आपके जो है अगर मजिस्ट्रेट सीजीएम एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज अगर आपके अब कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक आधार के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को सूचना भेजी जाए और अगर भेजी जाएगी तो निश्चित रूप से जैसे अभी आपके छत्तीसगढ़ के साथी बता रहे थे कि व्यक्तिगत स्तर पे अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइंस है इसके ऊपर होना चाहिए कि भाई आप ये क्या करते हैं। और अगर आप जरा सा भी किसी भी डीजे एडीजे सीजीएम और सुप्रिंटेंडेंट जेल के बारे में जो समस्या है उससे उसके दायित्व को जोड़ के उसके करप्शन को जोड़ के अगर शिकायत का प्रोसीजर शुरू करें और एक हेल्पलाइन शुरू करें तो निश्चित रूप से बगैर कुछ खर्च किए हुए बहुत कम पैसे में आप ऑल ओवर इंडिया एक अच्छा रिस्पॉन्स पा सकते हैं। भाई जैसे मैं आपको बताऊं मैं रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हूं भाई अगर कोई बात कहता हूं तो उसका रिजल्ट कहता हूं। जैसे बाराबंकी में कम से कम 15 साल से एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ है तो नहीं कोई मुठभेड़ हुई ही नहीं। भाई हम लोगों ने तय किया वकालत में जवाब है कि भाई एनकाउंटर के ऊपर हर एक एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और व्यक्तिगत दरोगा जी की व्यक्तिगत इंस्पेक्टर साहब की व्यक्तिगत एसपी साहब की लाइबिलिटी फिक्स कर। और जब व्यक्तिगत आता है एक सामान्य प्रक्रिया में कहना कि भ्रष्टाचार है या कोई सुन नहीं रहा ये दूसरी चीज है। एक ये है कि फला आदमी ये काम कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और अगर आप 6 महीने जुडिशियल सिस्टम के ऊपर अगर आप चलाते हेल्पलाइन तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से लेकर और आपके सीनियरों तक की जिम्मेदारी फिक्स होना शुरू होगी और आपके तमाम सारी उपाधियां सेटअप होगी और इसकी जानकारी दीजिए। भाई हम बाराबंकी में पाए कि पूना में पूना में बंधक बनाए गए 8 आदमियों को हम बाराबंकी में बैठे बैठे रिलीज करा लेते। तो अगर हम अपने उसका इस्तेमाल करें अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें नेट का इस्तेमाल करें तो रिजल्ट